हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा एसएससी एकेडमी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम ईडियम्स और फ्रेजेस की रिवीजन कर रहे हैं, और हम जहां तक पहुंच चुके हैं वो 69 जो है ईडियम्स तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम ईडियम्स की रिविज़न कर रहे थे, और मैं आपको बता दूँ ईडियम्स होते हैं कि एक फ्रेज़ या फिर कोई कहावत की तरह जैसे यूज़ होती है, और उसके लिए जो एग्जैक्ट जो वर्ड या फिर एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ढूंढना है, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और 69 तक हम कर चुके हैं, हम 70th तक पहुंच चुके हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 70th में जो फ्रेज़ यहां पर दिया हुआ है वो है ईट हम्बल पाए, और इसका आंसर जो है वो होगा ए, यानी कि ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, और उसको प्रेशर में ये सब करना पड़ा। और इसके बाद जो है अगला वो है कॉर्डन्ड ऑफ, और इसका आंसर जो है वो है डी, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है उसका मीनिंग ही होना चाहिए, हो सकता है उस सेंटेंस के अंदर आपको फ्रेज दिया हुआ हो, ईडियम दिया हुआ हो, और फिर आपको देखना है कि वो इस सेंटेंस के अंदर सेंस क्या बना रहा है, और जो वो सेंस बना रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और अगले पे चलते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि कान के पीछे ऐसा कुछ है, और ये जो फ्रेज़ है ये इंग्लिश फ्रेज़ है, इसका जो है आंसर होना चाहिए वो है बी, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, यानी कि यंग और बिना किसी एक्सपीरियंस के। अगला जो है वो है कीप्स एन ओपन हाउस, और इसका जो है ईडियम आंसर जो है इसका वेलकम्स ऑल मेंबर्स, यानी कि सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। अगला जो है उसका फ्रेज़ यहाँ पर अंडरलाइंड है चेंज्ड कलर्स, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ए, टर्न्ड प्लेट, टर्न्ड पेल। अगला जो है वो है लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, और इसका जो है आंसर वो होना चाहिए बी, अ क्लमजी पर्सन। और क्लमजी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो क्लमजी का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाए या अपने आप को संभाल ना पाए। अगला जो है वो है स्पिक एंड स्पैन, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए डी, टाइडी। अगला क्वेश्चन है 77 ह्यू एंड क्राई, इसका आंसर होना चाहिए बी, एंड अप्रोर। अगला टू विन लॉरल्स, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए सी, टू विन प्रेज। अगला है टू पे हीड, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए बी, टू लिसन यानी कि ध्यान से सुनना। अगला जो है टू ईट द हम्बल पाए, ये ऑलरेडी आ चुका है, पर यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है वो हम देख लेते हैं, और इसका आंसर है ए, फील ह्यूमिलिएटेड। अगला जो है वो टॉल ऑर्डर है, और इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं, इसका होना चाहिए टू डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि बहुत मुश्किल कोई काम। अगला जो है वो है काव आउट अ निच, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए डी, डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। अगर हम आगे देखें, यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माय एडवाइस टू द लेटर, और इसका मतलब क्या है, इसका जो है होना चाहिए सी, इन वेरी एवरी डिटेल। और टू द लेटर का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या कोई वर्ड लिख रहे हैं
उसमें लेटर बाय लेटर जब आप लिखते हैं तो आपको हर स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर टू द लेटर का मीनिंग है कि एक एक डिटेल को ध्यान में रखते हुए, इन एवरी डिटेल। अगला जो है वो है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए सी। टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, यानी कि अंदर का मतलब समझ आना चाहिए, अंदरूनी जो चीज़ है उसका मतलब समझ आना चाहिए। 85th जो है आई पुट माई फुट डाउन, और इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ए। टेक अ फर्म स्टैंड। अगला जो है वो है स्टूड हिज ग्राउंड, और इसका आंसर होना चाहिए डी, रिफ्यूज टू यील्ड। अगला है आर माइट एंड मेन, ऑल आर माइट एंड मेन, और इसका आंसर होना चाहिए ए, फुल फोर्स, पूरी क्षमता के साथ। अगला जो है नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट, और इसका आंसर क्या होना चाहिए बी, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। अगला जो है बैटर डाउन द हैचेस, और इसका जो है होना चाहिए बी, प्रिपेयर फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करना। अगला जो है वो है इन द डिफ़िकल्ट टू हैव सेंसिबल डिस्कशन विद, शी फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट, ये आपका फ्रेज है, और इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररेलेवेंट। इससे अगला जो है स्टूडेंट फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विद, और इसका आंसर जो है वो होगा बी, पुट अप विद। अगला जो है थ्रो डस्ट इन टू माई आइज, और इसका जो आंसर है वो होना चाहिए बी, चीट मी। अगला जो है मेडन स्पीच फ्रेज, और इसका आंसर जो है वो है बी, फर्स्ट स्पीच। अगला है ऑल ईयर्स, और इसका मतलब है डी, अटेंटिव। ऑल ईयर्स का मीनिंग होता है कि द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स, यानी कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं अटेंटिवली सुन रहे थे और ध्यान दे रहे थे इस बात का। अगला जो है सैलेड डेज, और इसका आंसर होना चाहिए बी, एडोलेसेंस। कूल अबाउट वर्किंग, इसका आंसर होना चाहिए ए, रेडी टू वर्क, यानी कि काम से जी ना चुराना और काम के लिए हमेशा रेडी रहना। अगला जो है वो है ड्रैगिंग हिज फीट, और इसका जो है आंसर होना चाहिए ए, एक्टिंग इन स्लो हेजिटेंट मैनर। इसके बाद अगला जो है वो पास्ड आउट है, पास्ड आउट का जो है आंसर वो होगा डी, फेंटेड, यानी कि गिर जाना या बेहोश हो जाना, उसको पास्ड आउट बोलते हैं। फेयर एंड स्क्वेयर, ये इसका जो है आंसर होना चाहिए डी, हॉनेस्ट एंड सिंपल। इसके बाद अगला है एट हिज विट्स एंड, और इसका आंसर होना चाहिए सी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ऑल थम्स, इसका आंसर होना चाहिए सी, क्लम्जी, यानी कि बहुत ढीला ढाला या फिर जो बहुत जल्दी गिर जाए। अगला जो है वो है राइजेस विद द लार्क, और इसका जो है आंसर होगा बी, वेरी अर्ली। अगला है वाइल्ड गूस चेस, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए बी, यूजलेस सर्च। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है मेड अ बी लाइन, इसका आंसर होना चाहिए ए, रश्ड। मेक अमेंड्स फॉर, इसका आंसर होना चाहिए डी, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई गलती करी है या फिर किसी चीज़ के बदले आपको जो है उसका कंपनसेशन देना होगा।
अगला जो है लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, इसका आंसर होना चाहिए डी, लेफ्ट मी अलोन टू डू वर्क, यानी कि आपको अकेले छोड़ देना काम करने के लिए। अगला है डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना, और इसका जो आंसर है वो आपको भी पता ही होगा, एग्जीगेटिंग अ माइनर प्रॉब्लम, किसी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देना। अगला जो है स्पिल्ड द बीन्स, और इसका जो आंसर है वो सी है, रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। स्नेक इन द ग्रास, और इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सी, अ हिडन एनिमी, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। अगला जो है वो है बी हाइव, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सी, अ बिजी प्लेस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस या बिजी प्लेस। टू विन लॉरेल्स, और इसका मतलब है डी, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, एक अच्छा ओहदा जो है उसको अर्न करना। अगला है वाज इन द सोप, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए सी, टू बी इन ट्रबल, किसी मुसीबत में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइंस, और इसका आंसर होना चाहिए सी, फिक्स अ लिमिट। इससे अगला जो है टू कट गॉर्डियन नॉट, और इसका आंसर जो है होना चाहिए डी, टू परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क। अगला है टू पुट अ नट शेल, और इसका आंसर होना चाहिए ए। पुट अ नट शेल का मीनिंग क्या होता है कि स्टेट समथिंग वेरी कॉन्शियसली, कुछ बहुत ही अपने पूरे होशो हवास में कुछ कहना, और इसका आंसर जो है वो आपको पता लग गया, आंसर जो होना चाहिए वो ए है, टू स्टेट समथिंग वेरी कॉन्शियसली। और अगला जो है टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि किसी का माइंड को मेकअप करना, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए डी, टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है ये बात को डिसाइड कर लेना। टेक फ्रेंच लीव, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए बी, एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, बिना पूछे एब्सेंट हो जाना या बिना पूछे कहीं चले जाना। अगला जो है वो है ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिच, इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए बी, बिग इंटरनेशनल बैंकर्स। अ सेक्रेड काउ, इसका मतलब है ए, अ पर्सन नेवर बी क्रिटिसाइज्ड, यानी कि जैसे हिंदी में भी कहा जाता है कि गाय की तरह भोला कोई आदमी हो, और उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए भी उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए। अगला जो है शट ईविल कंपनी, शन ईविल कंपनी, और इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए, टू गिव अप ईविल कंपनी, यानी कि बुरी संगति को छोड़ देना। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ए, टोटल मेस। अगला है द सीमी साइड, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए बी, द इम्प्लेजेंट एस्पेक्ट्स। और टू कीप इन एबेयंस, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। टू बी इन अ फिक्स, इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए डी, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी बुरी सिचुएशन या किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाना। अगला है टू ब्रेक द आइस, और इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए, मेड पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, लोगों को कंफर्टेबल करवाना। अगला जो है वाइल्ड गूस चेज,
जिसका आंसर है सी, अ फूलिश इन प्रॉफिटेबल एडवेंचर। अगला है स्मेल अ रैट, ये जो है पहले पार्ट में भी हमने डिस्कस करा और इसका आंसर आपको सोचना है, जल्दी से सोचिए। हाँ, इसका आंसर है सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसाइड। अगला जो है अ लाइव वायर, इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, लाइवली एंड एक्टिव। अगला है पुल अ फास्ट वन, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए बी, प्ले अ ट्रिक। और अगला जो है ग्रीस द पाम, दैट मीन्स कि हथेली को चिकना करना, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए डी, ब्राइब, यानी कि जो है रिश्वत देना। अगला है टर्न टर्टल, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए सी, ओवरटर्न। अगला टू पुट हिज फूट डाउन, इसका आंसर में भी आपको पता होगा, तो आप आंसर सोचिए जल्दी से। आंसर है विदड्रॉ। अगला जो है हैव अ फुट इन द ग्रेव, यानी कि कब्र में पैर रखना, इसका आंसर जो है आपको पता ही होगा, बी अफ्रेड टू नेस्ट। अगला जो है हॉर्नेट्स नेस्ट, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए अनप्लेजेंट सिचुएशन। टू रोल आउट द रोड कारपेट, इसका आंसर होना चाहिए बी, टू गिव ग्रैंड वेलकम। अगला जो है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप सोच लीजिए। इसका आंसर है डी, टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व, यानी कि जो है अपनी सेल्फिश नीड के लिए कुछ काम करना। अगला जो है कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ए, एब्सर्ड स्टोरी। इसके अगला हम देख लेते हैं शेक ऑफ, इसका आंसर क्या होना चाहिए सी, फॉरगेट। सिट ऑन द फेंस, फेंस पर बैठ जाना, इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस। अगला जो है द मैनेजर इज़ नॉट डिसमिस्ड बट ही इज़ डेफिनेटली अंडर अ क्लाउड, यहाँ पर फ्रेज जो है वो आपको खुद ही समझना है, फ्रेज जो है यहाँ पर अंडर अ क्लाउड है, और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए डी, अंडर सस्पिशन, यानी कि किसी के शक के घेरे में। और पुल अ लॉन्ग फेस, इसका आंसर होना चाहिए डी, लुक टायर्ड, यानी कि थकान में दिखना। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको idioms जो हैं और phrases, इनके answers ढूंढने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और डेली अपडेट्स भी हम डालते रहते हैं, डेली वीडियोस डालते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की वीडियो रेगुलर लाएंगे, बस आप इस चैनल को सपोर्ट रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।